in a certain code language, game is written as dollar divided by then asterisk and percentage, and bit is written as hash percentage division sign and मल्टीप्लीकेशन साइन. हाउ विल द वर्ड मेड बी रिटन इन दैट लैंग्वेज, ठीक है, इन दैट कोड लैंग्वेज. तो इसको सॉल्व किया है हमने. हाँ, सो गेम हैज बीन रिटन, द सिंबल फॉर जी इज लाइक दिस ओनली, एंड फॉर ए इज डिविजन, एम फॉर एस्ट्रिक एंड ई फॉर परसेंटेज, एंड सेम गोज फॉर बी ई ए डी बीड. फाइन. सो फॉर मेड वॉट डिड वी डू दैट फॉर सी एम साइन गोज फॉर एस्ट्रिक, सो वी टुक दैट साइन एम साइन. ए साइन जो था वो था डिवीजन का यहाँ पे, सो हमने डिवीजन का यहाँ पे ए साइन यहाँ से कैरी कर लिया. ये देखिए ए साइन यहाँ पे ये. देन डी साइन इज फॉर मल्टीप्लीकेशन, सो वी टुक दैट डी साइन, एंड ई साइन फॉर परसेंटेज. फाइन. सो द फाइनल कोड साइन दैट वी गॉट फॉर मेड इज एस्ट्रिक, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड परसेंटेज. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. यू कैन सी द ऑप्शन, ऑप्शन सी हेयर इज द राइट आंसर. सी 142. Q travels towards east, M travels towards north, S and T travel in opposite directions, T travels towards right of Q. Which of the following is definitely true? Fine. So here the question is that when we talk about direction की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो direction में हम क्या देखते हैं कि direction में आप देखिए तो यहाँ पे ऊपर north होता है, फिर नीचे south, फिर east and west. Fine. So we have now here it is saying that m travels towards north. So humne yahan pe o, we just made o as the center, and m travels towards north. Fine. M travels towards north. Uske baad s and t travel in opposite direction, t travel towards right of q. theek hai, to right of q humne q ko yahan pe set kiya. theek hai, aur right of q means that we just move clockwise direction mein move karenge, to t hamara yahan pe आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, राइट ऑफ क्यू जो होता है वो ऐसे हो जाता है, तो हमारा क्लॉकवाइज में मुड़ जाएंगे तो टी आ जाएगा. ठीक है, टी ट्रेवल्स टूवर्ड्स राइट ऑफ क्यू, और एस और टी ट्रेवल्स अपोजिट डायरेक्शन. तो टी अगर साउथ में है और टी और एस अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इसका मतलब एस नॉर्थ में मूव कर रहा है, तो एस यहाँ पे है. ये अपोजिट डायरेक्शन का ये साइन है हमारा, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, इसीलिए तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एम और एस, ये जो एम और एस दोनों हैं, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर, दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी. फाइन. तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन इज, अ मैन रमेश हु ओन्स अ प्लॉट ऑफ लैंड 100 स्क्वायर यार्ड्स increases his plot of land by acquiring 10% more from his neighbor Suresh, who also owns 100 square yards land. After 2 years, he sells back 10% of the total plot to the neighbor. Which of the following is correct? ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा कि पहले देखिए, पहले यहाँ पे क्या हुआ कि पहले रमेश के पास 100 स्क्वायर यार्ड जमीन थी और सुरेश के पास भी इतनी ही जमीन थी. रमेश ने क्या किया कि उसने सुरेश से 10% जमीन खरीद ली. ठीक है, तो 100 जमीन था, तो इसका 10% ऑफ 100 इज 10 ओनली. तो अब जो है रमेश के पास 100 प्लस 10 हो जाएगा, मतलब 110 हो जाएगा, और सुरेश के पास 10 कम हो गया तो 90 हो जाएगा. कुछ 2 साल बाद रमेश ने क्या किया कि 10% जमीन अब वापस सुरेश को क्या कर दिया, सेल कर दिया. ठीक है, तो 110 थे रमेश के पास जमीन अभी, 110 का 10% होता है 10/100, 110 दैट इज 11. तो अब 110 में से हम 11 घटा देंगे, तो अब 99 जमीन बचेगा रमेश के पास, और सुरेश के पास 90 था, उसे 11 मिला, तो 101 हो जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि 101 जो है वो 99 से बड़ा है. इसका मतलब कि अब जो है वो सुरेश के पास जो जमीन है वो ज़्यादा है, तो सब तो सुरेश लैंड इज मोर दैन रमेश, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आप देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. ये रहा इसका आंसर, ऑप्शन बी. अब हम 144 पे आते हैं. 144 कहता है ऑड पेयर्स को आप बाहर निकालिए, जो इसमें से ऑड पेयर्स हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे. तो ऑड पेयर को बाहर निकालने के लिए क्या तरीका है, ऑड पेयर को बाहर निकालने का तरीका है, देखिए, स्टेशनरी में पेपर मिलेगा, ठीक है, ब्रूअरी में अल्कोहल, मिलिनरी में, मिलिनरी वो जगह होती है जहाँ वुमेन के हैट्स मिलते हैं, टोपियाँ मिलती हैं, पर स्नॉबरी जो है उसमें शूज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि स्नॉबरी का मतलब होता है एरोगेंस. फाइन,
तो मिलनरी हैट सही है, ब्रूवरी में अल्कोहल मिलेगा, स्टेशनरी पेपर, बट स्नॉबरी में शूज़ नहीं मिलेगा। शूज़ मीन्स जूता और स्नॉबरी मीन्स एरोगेंस, तो ये गलत है, ये ऑड वन आउट है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 145। यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर यहाँ पे निकालना था, ये एक नंबर सीरीज है और नंबर सीरीज में हमें मिसिंग नंबर यहाँ पे निकालना था 132, 156, क्वेश्चन मार्क 210, 240, 272। अगर हम ध्यान से देखेंगे पहला नंबर जो है वो 24 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे दूसरा नंबर हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, फिर तीसरा नंबर हम देखेंगे तो भी हमें यहाँ पे अब दूसरे नंबर से ही पता चलेगा तीसरे पर कितना है, लेकिन ये हमें पता है कि जब चौथा नंबर हम देखेंगे वो इंक्रीमेंट 30 का है और उसके बाद हम देखेंगे तो वो इंक्रीमेंट 32 का है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का प्लस 2 का इंक्रीमेंट जो है रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे होते जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 24 पहला इंक्रीमेंट था तो हम यहाँ पे 1 प्लस 2 और बढ़ा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 26 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब कि 156 के बाद जो क्वेश्चन मार्क वाला नंबर जो हमें नहीं पता है वो तभी मिलेगा व्हेन वी विल इंक्रीज दैट बाय 2। तो पहले 24 था और 24 में हम 2 और जोड़ेंगे तो 24 प्लस 2 26, इसका मतलब कि 156 में जब हम 26 जोड़ेंगे तो हमें ये क्वेश्चन मार्क वाला नंबर मिल जाएगा। देखिए पहले 132 था यहाँ पे, 132 में हमने 24 जोड़ा, वी एडेड 24, वी गॉट 156। ठीक, नाउ फर्दर, अब नाउ प्लस टू इंक्रीमेंट इज देयर ऑन अ रेगुलर बेसिस, प्लस टू इंक्रीमेंट अब हर एक स्टेप पे होगा, तो 156 तो हो, अब 156 तो ये तो होगा ही, इसके बाद तो ये 24 तो ऊपर तो जोड़ा हमने, प्लस टू जोड़ दिया, तो 156 प्लस 24 प्लस 2 182 हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा और ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। आप आगे भी देखिए तो 182 यहाँ पे ये ऑल एज इट इज आ जाएगा और चूंकि 24 प्लस 22 यहाँ पे तो ये 26 आ जाएगा, हम 2 और जोड़ेंगे 210, देखिए यहाँ पे 210 आ जाएगा, फिर 210 रहेगा, फिर 26 प्लस 22 28 और प्लस 2 एक और जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 240 यहाँ पे आ रहा है, फिर 240 यहाँ पे आ गया, फिर 28 प्लस 2 30 और एक 2 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 272 जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, सो द आंसर विल बी 182। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 146। 146 में क्या है कि इन क्वेश्चन नंबर 146 हमें यहाँ पे निकालना है मिसिंग नंबर। ठीक है, तो ये पहले ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो एंड दिस इज द थर्ड रो। इन फर्स्ट रो हमने देखेंगे जो हमारा फर्स्ट नंबर है 44, लास्ट नंबर है 37, व्हेन वी विल सब्ट्रैक्टेड, जब हम दोनों को घटाएंगे तो हमें 7 मिलेगा, 44 माइनस 37 इज 7, और जब जो एंड जो भी हमें मिलेगा उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 जा 49। नाउ वी विल डू द सेम इन थर्ड रो, तीसरे रो में भी सेम काम करेंगे, 58 है हमारा ये पहला नंबर और 53 हमारा दूसरा नंबर, तो 58 माइनस 53 करेंगे तो हमें क्या मिला, 5 मिला। ठीक है, और एज इट इज जो भी पता 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 7 35। ठीक है, ये हो गया, तो इसका मतलब सेकेंड रो में भी हम यही करेंगे। सो हम क्या करेंगे, पहले वी विल सब्ट्रैक्ट 41 फ्रॉम 52, हमें पहले 41 को 52 से घटाना है, तो 52 माइनस 41 करेंगे तो कितना आया, 11, और दोबारा से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 7 सा 77, यही हमारा आंसर होगा 77, और इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 147 पे चलते हैं। पहला कंक्लूजन है कि 80% ऑफ द टीम स्पिनर्स की है। ठीक है, ऐसा देखिए ये तो क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी सकता है ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स भी तो हो सकती है, जो टीम है वो 80% फास्ट बॉलरों की भी हो सकती है। ठीक है, स्लो मीडियम पेसर्स की भी हो सकती है, बैट्समैन की भी हो सकती है, तो पहला जो हमारा कंक्लूजन है वो ऑलरेडी गलत हो गया। ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स, ऐसा नहीं हो सकता है, स्पिनर्स तो किसी भी ऑर्डर पे हो सकते हैं, 1 से 11 के बीच में, चाहे ओपनिंग पे हो, चाहे लास्ट के दो प्लेयर स्पिनर हो, चाहे मिडिल ऑर्डर के दो प्लेयर स्पिनर्स हो, तो दूसरा कंक्लूजन भी कोई स्टैंड बिल्कुल नहीं रखता, दूसरा कंक्लूजन भी गलत हो गया। सो नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज द स्टेटमेंट, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। 148 में चलिए, अल्फ़ाबेट आपको पता है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो उसको हम मार्क करते हैं पोजीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर उसके बाद हमारा अल्फ़ाबेट आता है एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जिसको हम कहते हैं 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने क्या किया कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमने देखा 148 में कहता है कि
ग्रेड को हमने लिखा है ये, तो हम पहले ना इसको डिवाइड कर लेंगे। देखिए आप देखिए जी को यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जी जी जो है यहाँ देखिए जी जो है सेवन है ना, तो इसने एज इट इज सेवन लिखा है, ठीक है, इसमें कोई भी मतलब कि इश्यूज नहीं है, ठीक है। और जो लास्ट अल्फाबेट है टी, वो देखिए यहाँ पे टी जो है वो 20 है, तो इसने टी को भी 20 ही लिखा है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमसे पूछ रहा है सवाल में, जो भी लास्ट में वो कोड लैंग्वेज में पूछेगा, उसमें जो हमारा फर्स्ट अल्फाबेट है उसका एज इट इज जो पोजिशन है वो ही लिखा जाएगा, और जो लास्ट अल्फाबेट है उसका जो पोजिशन है वही लिखा जाएगा। यहाँ पर भी देखिए मॉन्क में जो इसने दिया है उसमें एम को इसने 13 लिखा और एम यहाँ पर 13 ही है, और यहाँ पर के जो है लास्ट अल्फाबेट वो 11 है, तो यहाँ पर देखिए के यहाँ पे ध्यान से देखिए 11 ही है। इसका मतलब हमसे विगरस पूछा है तो ये श्योर है कि वी जो अब पूछेगा तो वी का क्या यहाँ पे है 22, तो यहाँ पे 22 से ही हमारा आंसर शुरू होगा, और एस यहाँ पे लास्ट है तो एस होता है यहाँ पे 19, तो ये 19 ही होगा। तो ऑब्वियसली हम चार ऑप्शंस देखेंगे तो हमारा आंसर 22 से स्टार्ट होगा और 19 से खत्म होगा। हम 148 क्वेश्चंस में चार ऑप्शन में ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, यही दो ऑप्शंस, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ऐसा सिर्फ आप, ये सवाल बहुत ही ईजी इसलिए है क्योंकि ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन, देर इज़ ओनली वन ऑप्शन जहाँ पे हमारा 22 से हम स्टार्ट हो रहा है और 19 पे हमारा खत्म हो जा रहा है, ठीक है। ऐसा बाकी बी में ऐसा नहीं हो रहा है, बी में 21 से स्टार्ट हो रहा है, ये गलत हो गया। सी में 22 से स्टार्ट हो रहा है बट सी एंड 20 से हो रहा है, तो भी गलत हो गया। और डी 21 से स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन डी, तो वो भी गलत हो गया। तो बाई डिफ़ॉल्ट हमारा आंसर जो है वो 20, 22, 18, 712, 18, 12, 619 ऑप्शन ए। ये ईजी सवाल था, आप ऊपर से तुरंत इसको आप इलिमिनेट करके इसका आंसर तुरंत ला सकते थे, ठीक है। बाकी इसमें देखने के लिए आप देखिए जी को हमने 7 रखा है, ओ को हम 12 रख रहे हैं जो कि यहाँ पे ओ का 12 यहाँ पे है, आर को 18 रख रहे हैं हम, ओ को दोबारा 12 रखेंगे, यू को, तो ये सारा आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल ईजी था, टाइम टेकिंग नहीं था, ठीक है। आप इजीली इलिमिनेट करें, देखेंगे कैसे अल्फाबेट्स को पोजिशन में इन्होंने रखा है, उसी हिसाब से रखें, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। 149 में चलते हैं, 149 में कहता है कि तो इसीलिए तो 148 का आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 149 में चलते हैं, 149 में ऑड वन आउट निकालना है। पहला हमारा ऑप्शन है QWZB में देखिए, व्हेन वी ऐड Q, जब हम 6 जोड़ेंगे ना Q में तो W हो जाएगा, तो Q से W 6 पे आ जाएगा, फिर W में 3 जोड़ देंगे तो Z हो जाएगा, W में 3 जोड़ देंगे Z हो जाएगा, और Z में 2 जोड़ देंगे तो B हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है BHKM, तो ऐसा ही जो एक ऑर्डर है कि पहले 6 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो हमें बात के अल्फ़ाबेट्स मिलने लगे, ऐसे ऑर्डर्स को फॉलो करें अगर तो सेम पेयर होगा, और जो भी सीरीज इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा वो इन सबसे अलग हो जाएगा, अलग मतलब ऑड हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएंगे, और जो नहीं फॉलो करेगा इस सीरीज को वो ऑड हो जाएगा, तो ये बाहर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं BHKM, बी में 6 जोड़ा तो H आया, H में 3 जोड़ा तो K आया, K में 2 जोड़ा तो M आया, फिर MSVK, M में 6 जोड़ा तो S आया, S में 3 जोड़ा तो V आया, V में 2 जोड़ा तो X आया, मतलब ये तीनों ठीक हैं। लेकिन WCGJ में देखिए आप, GJ में कि W में 6 जोड़ा तो C आया, तो ठीक है, लेकिन C में 4 जोड़ने पे G आ रहा है और G में 3 जोड़ने पे J आ रहा है, ये सीरीज टूट गई। आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 6 तक तो ठीक था पहले तक, लेकिन अब यहाँ पे 4 जोड़ना पड़ रहा है, यहाँ पे 3 जोड़ना पड़ रहा है, जबकि ऊपर 3 और 2 जोड़ते थे। इसका मतलब ये जो WCGJ है यही यहाँ पे इसका ऑड वन आउट है, और यही इसका जो हमारा होगा आंसर होगा। तो 149 का जो हमारा आंसर होगा वो 149 जो हमारा उसका आंसर होगा वो हो जाएगा सी, WCGJ। अब 150 पे आते हैं, 150 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का था, एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ये गेट का सवाल है और कैट में भी पूछा जा चुका है, जो कि सवाल आया था कल, बहुत ही अच्छा सवाल था। देखिए सवाल कहता है कि 4 ब्रांचेज ऑफ अ कंपनी आर लोकेटेड एट MNOP, तो 4 ब्रांचेज किसी कंपनी के MNOP पे लोकेटेड हैं, M नॉर्थ ऑफ N है। देखिए ध्यान से समझिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये नॉर्थ होता है ऊपर, ठीक है, ये हमारा साउथ होता है। अच्छा, जब यहाँ पे ये सारे एंगल्स 45 डिग्रीज पे होते हैं, तो ध्यान रखने की बात है, ये सारे एंगल 45 होते हैं, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया इधर, फिर इधर आइए तो ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये वाला एंगल साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ, ये साउथ वेस्ट, सारे एंगल 45 डिग्रीज होते हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे कह रहा है कि N जो है N साउथ ईस्ट ऑफ O है वो 1 किलोमीटर, और P जो है वो साउथ ऑफ O 2 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि जो अब जो हमारे यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए N जो है ये N है हमारा N, वो O के साउथ ईस्ट में, तो हम यहाँ पे O को फिक्स कर लेंगे, ठीक है, और O के साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट में हम यहाँ पे ले गए, यहाँ पे साउथ ईस्ट में, तो यहाँ पे देखिए 45 डिग्री का एंगल बना लेगा ये, और ये 1 किलोमीटर इसका पूरा लेंथ है, ठीक है, और OP को तो इन्होंने बोला ही है कि OP जो है
है पी इज साउथ ऑफ ओ, तो जो पी है वो ओ हमने यहाँ फिक्स किया तो ओ के साउथ, तो साउथ नीचे होता है, ये देखिए साउथ यहाँ पे नीचे होता है तो साउथ नीचे है, तो पी जो है वो साउथ, पी जो है वो ओ के साउथ में है, तो पी यहाँ पे आ जाएगा और ओ का साउथ तो ये आ जाएगा ओ पी, और तो ये 2 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, और m जो है वो m इज़ नॉर्थ ऑफ n, तो हम यहाँ पे n को यहाँ पे सेट कर लेंगे, n को यहाँ पे हम सेट कर लेंगे, और m जो है m जो है वो n के नॉर्थ में है, तो n का नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर आ जाएगा तो m यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए ओ एन यहाँ पे आ गया हमारा एज इट, ये डायग्राम, ये जो है ओ एन और ओ पी हम यहाँ पे बना देंगे, ये देखिए ये हमारा ओ एन आ जाएगा, दिस इज ओ एन और ये हमारा ओ पी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे अगर, तो हमें पता चलेगा ये 45 डिग्री बन रहा है, ये 45 डिग्री बन रहा है, ओ एन की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये हमें नहीं पता, ये जो वैल्यूज हमें नहीं पता, ये पूरा ओ पी, ये पूरा ओ पी जो है वो 2 है, और ये हमें, ये पूरा ओपी हमारा 2 है, ये हम x मान लेंगे क्योंकि ये एज अ, ये एक स्क्वायर बन जाएगा, ये जो है ना ये पूरा ओ बी एन ए, ये ओ बी एन ए एक स्क्वायर बन जाएगा और सारे जिसके साइड्स हैं हम x ले लेंगे, सब साइड्स इसके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और ये सब साइड ये x हो गया, तो आपको सोचे कि जब ये पूरा 2 है, ओ पी पूरा 2 है, तो ये ए पी जो होगा, ये ए पी, ये ए पी, ये 2 - x हो जाएगा, ये वाला वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल ए ओ एन 45 डिग्री है, ए ओ एन, आप देखिए ए ओ एन, ये जो एंगल है ये 45 डिग्रीज है, जब ये 45 और ओ एन जो है ये ओ एन, ये 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा, ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा, तो ये सारा, तो इससे क्या हो जाएगा, और जो डायगनल्स हैं, ये जो डाई, और ये डायगनल है, ये इस एंगल को क्या कर रहा है, इस एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए ओ बी एन ए एक स्क्वायर बन जाएगा। अब इन ट्रायंगल ओ ए एन, इस ओ ए एन ट्रायंगल में, ये ओ ए एन ट्रायंगल में हम साइन 45 लगाएंगे, साइन 45 होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ओ ए बाय ओ एन हो जाएगा, ओ ए बाय ओ एन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, और ओ ए की वैल्यू क्या है, एक्स है, और ए, और यहाँ पे ओ एन क्या है, हाइपोटेन्यूस 1 है, तो इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, तो ये सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2, ठीक है। दूसरे डायग्राम में चलते हैं, तो एम एन तक तो ये था, अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे इसको, अब हम एन सी यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे इसमें, यहाँ पे आप देखिए एम एन तक, ये एम एन तक, ये पूरा 4 था, यहाँ से यहाँ तक 4 था, और इस डायग्राम में हमें चूंकि एम पी निकालना है, ठीक है, आप ध्यान से देखिए कि इस डायग्राम में हमें जो लेंथ निकालना था ना, हमें ये पूरी लेंथ निकालनी है एम पी, तो हम इस डायग्राम को यहाँ पे आगे और बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इस डायग्राम को हमें ये पूरा एम पी निकालना है, हमें पता था कि ऊपर के डायग्राम में सारा 1/√2 था, ये एक स्क्वायर था, और ये सब 1/√2 थे, चारों साइड 1/√2 थे, एम पी हमें निकालना है जिसकी वैल्यू हमने ले लिया वाई, ठीक है। अब ये देखिए ये 1/√2 है, तो ये भी 1/√2 हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए कि जो हमारा ओ पी था वो 2 था, ठीक है, ये हमारा जो पूरा ये ओ पी था ये क्या था, ये पूरा 2 था, तो ये पूरा जब 2 था और ये 1/√2 है इतना, तो ये ए पी क्या हो जाएगा, 2 - 1/√2, तो जब ये 2 - 1/√2 हो जाएगा तो एन सी क्या हो जाएगा, ये भी 2 - 1/√2 हो जाएगा, और एम एम एन की वैल्यू तो 4 है ही हमारे पास, ठीक है, तो हमें एम पी निकालना है वाई। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं इन ट्रायंगल एम पी, इस ट्रायंगल में एम पी सी में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे, तो वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, एम सी यहाँ पे ये पूरा एम सी, मतलब कि एम एन प्लस एन सी, एम एन कितना है 4 है, तो 4 लिख दिया, और एन सी कितना है 2 - 1/2, तो 2 - 1/2 लिख दिया, और उसका होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पे हमने, ठीक है, प्लस पी सी स्क्वायर, पी सी कितना है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर कर दिया, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.34 किलोमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमने सारे मैथ्स के सारे जो भी क्वेश्चन थे उसको हमने डिस्कस कर लिए।